दोस्तों हाल ही में हुए इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों का T20 सीरीज 2-2 से बराबर हो गया, क्योंकि आखिरी मुकाबला बरसात के कारण नहीं खेला जा सका। इसमें भारत का कप्तान ऋषभ पंत को बनाया गया था, ना तो ऋषभ पंत के बल्ले से रन बना और ना ही अच्छी कप्तानी कर सके। एक के बाद एक मुकाबले में फ्लॉप साबित हो रहे ऋषभ पंत को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट तो यहां तक कहने लगे हैं कि होने वाले एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत को टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि टीम में 3 और भी ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसमें तीसरा नाम निकल के आ रहा है दिनेश कार्तिक का। दोस्तों दिनेश कार्तिक मौजूदा टाइम में अपने करियर के सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने IPL सीजन 2022 में RCB की तरफ से खेलते हुए कई अर्धशतक जड़े और कई मैच अपने दम पे जिताए, और इसी को ध्यान में रखते हुए इनका चयन टीम इंडिया में हो गया और साउथ अफ्रीका से खेले गए T20 मुकाबले में इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। इन्होंने एक अर्धशतक भी जड़ा। दिनेश कार्तिक एक अच्छे बल्लेबाज के अलावा बहुत अच्छे विकेट कीपर भी हैं, इसीलिए क्रिकेट एक्सपर्ट का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत के जगह दिनेश कार्तिक को मौका दिया जाए। वहीं पे दूसरा नाम निकल के आता है ईशांत किशन का। दोस्तों ईशांत किशन IPL सीजन 2022 में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम में उनकी कितनी जरूरत है। बात अगर उनकी प्रदर्शन की कर ले तो साउथ अफ्रीका से हुए T20 सीरीज में उन्होंने 2 अर्धशतक जड़े और सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पे थे। ये एक बल्लेबाज के साथ साथ बहुत अच्छे विकेट कीपर भी हैं। इन्होंने IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से काफी अच्छा विकेट कीपरिंग की है और ये मौजूदा टाइम में काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इसीलिए ऋषभ पंत के जगह इन्हें मौका मिल सकता है। वहीं अगर बात पहले नंबर की कर ले तो पहला नाम निकल के आता है KL राहुल का। दोस्तों KL राहुल का क्या ही कहना, ये अकेले के दम पे मैच जिताने का दम रखता है। KL राहुल दुनिया का एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जो IPL में लगातार 5 सालों से 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, और इस साल भी उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बैक टू बैक 2 शतक जड़कर के साबित भी कर दिया कि उनसे बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज इंडिया में नहीं है। हालांकि ऋषभ पंत खेले चाहे ना खेले KL राहुल का खेलना तय है, लेकिन अगर इंडिया के विकेटकीपरिंग का कमान KL राहुल संभालते हैं तो भारत एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ T20 वर्ल्ड कप में उतर सकता है। इससे पहले भी KL राहुल इंडिया के लिए कई मुकाबले में विकेटकीपरिंग कर चुके हैं। इन तीनों में से किसको आप बेहतर विकल्प मानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।